बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच भाजपा और कांग्रेस में जुबानी हमले तेज हो गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट और तीसरी लहर की आशंका को काल्पनिक बताकर प्रदेश के कॉलेजों में ऑफलाइन क्लास निरंतर जारी रखने की बात कहने वाले उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया है। पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार कह रही थी सब ठीक है, उसके बाद अब कह रहे हैं कि कोरोना आ गया है। सरकार का समझ में नहीं आ रहा है, ये सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है। 17 नवंबर कह देंगे सब ठीक है और हर चीज ओपन है, अब फिर कह रहे हैं कि क्राइसिस आ गई है, फिर कोरोना डिस्टेंसिंग करना है, फिर मास्क लगाना है, 500 रुपए का फाइन होगा। ये खुद इन्होंने यहाँ पे बड़ी बड़ी रैलियां की, जम्बूरी मैदान में, अभी यहाँ पे किए विक्टो हॉल में, लेकिन करना क्या चाहते हैं ये इनकी भी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि पहले भी आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा था कि कोई भी चीज़ धीरे धीरे की जाए, छूट धीरे दी जाए, पर इन्होंने एकदम छूट दी। और मैं समझता हूँ कि अब जिस तरह से केसेज आ रहे हैं, इस सब के लिए कोरोना फिर से अगर फैलता है, थर्ड लहर आती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री जी मिला। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।